हेलो गाइज, वेलकम टू टीआरबी एक्सपेरिमेंट। जैसे कि आपने देखा कि अपन ने स्मोक बम बनाया था, कलर स्मोक वाला, घर पर स्मोक पायरो गन भी बनाई स्मोक वाली, कलर स्मोक वाली। आज अपन देखेंगे जो कि रेडीमेड स्मोक के अंदर क्या होता है, जो कि रेडीमेड स्मोक आता है, स्मोक बॉम आते हैं रेडीमेड कलर स्मोक, उसके अंदर क्या होता है देखेंगे, उसे काट कर और कितना ज़्यादा अपने को मिलता है उसके अंदर स्मोक का मसाला देखेंगे। चलिए देखते हैं इसको काट कर। इसको काटने के लिए अपने पास एक काटने के लिए अपने पास दो कटर, तीन कटर और हाथ पे ना लगे इसीलिए कलर, जो कि बहुत पक्का कलर होता है, जो कि कलर स्मोक में आता है। तो अपन ग्लव्स का यूज़ करेंगे। सबसे पहले मैं ग्लव्स को पहन लेता हूँ और यहाँ पर नहीं काटेंगे अपन, थोड़ा सा वहाँ जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काटेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा कलर हो जाएगा। जैसे अपन पानी डालेंगे तो यहाँ पर कलर हो सकता है, इसलिए अपन नीचे, मतलब नीचे निचली सतह पर इसको काटेंगे। तो चलिए देखते हैं इसको काट कर। इसको अपन खोल के भी देखने वाले इसके अंदर का सेल कैसे होता है, उसको जलाकर भी देखने वाले उसके अंदर का बारूद और असली सेल कैसे जलता है। नीचे का जो घोल होता है पूरा खाली होता है, इसको मैं जल्दी से काट लेता हूँ। सबसे पहले देखिए ऐसे ही टूट चुका है और इतना ज़्यादा इसमें जो को खोखला होता है, तो ये तो पूरा ही खोखला है। नीचे का जो होता है जो पकड़ने के लिए ग्रिप होता है, और ये जो इस साइड का है तो इसमें थोड़ा सी गैप है, और यहाँ से बम चालू होता है, यहाँ से इधर का बम। कटर से काटोगे तो अच्छी तरह से नहीं कटेगा, और खोल के तो देखेंगे अपन इसके अंदर क्या होता है, इस सेल के अंदर, अंदर के सेल के अंदर। मैं जल्दी जल्दी से पूरा कवर को हटा देता हूँ। ये जो इसके अंदर भी एक सेल है, जैसे कि आप देख पा रहे हो, और यहाँ से गैप है, एक सेल बना हुआ है। जैसे कि देख पा रहे हैं ना, ऊपर का कवर पूरा हट चुका है, जो कि अंदर का सेल कुछ इस तरीके से दिखता है, इतना छोटा सेल होता है, इससे ही स्मोक निकलता है। इसको मैं कागज़ को पहले हटा देता हूँ। अब इसको काटेंगे, जो कि यहाँ पर एक बत्ती दिखाई दे रही है आपको, देखिए इसके अंदर ही चली गई है, तो मुझे लगता है अब अपन क्या करेंगे, इस सेल को काटेंगे। मुझे तो लगता है यहाँ से तो खुलने तो नहीं वाला, अपने को ऐसे ही काटना पड़ेगा। जैसे कि अपन ने खोल दिया है, कुछ इतना बड़ा, मतलब इसको जो कोई प्रेशर बनता है जो कि स्मोक का, इतना बड़ा उस पर तो मिट्टी लगी हुई है। नीचे का यह है बारूद, इसको अपन निकालेंगे किसी चीज़ पर, इसी डब्बे पर निकालेंगे। देखिए इस पर मैं निकाल लेता हूँ, जो कि यही होता है जो कि जलता है। इसमें बत्ती देखिए, इतनी बड़ी बत्ती अंदर चली गई थी, और सिर्फ इतना ही है। देखिए ऐसा ही कुछ होता है, सिर्फ और सिर्फ इतना ही बारूद मिला एक फटाकों के अंदर। लगता तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। अपन क्या करेंगे, जो कि अपने पास इतना सारा बारूद उसमें से निकल चुका है, अब इसको अपन वैसे ही जला कर देखेंगे कैसे जलता है, मतलब आग निकलती है या वैसे ही वेपोराइज होता है। और उसके बाद अपन डायरेक्ट अपने स्मोक को जलाएंगे, जो कि अपने पास एक स्मोक है और कलर स्मोक, उसको भी कैसे धुआं निकलता है वो भी देखेंगे। चलिए देखते जलाकर। मैंने बत्ती घुसाई और उसमें लगा दी आग। जैसे कि आप देख पा रहे हो, जैसे अगरबत्ती होती है जलने के बाद जलती रहती है, धुआं नहीं निकलती, जैसे अपन उसको बुझाते हैं तो धुआं निकलता है, उसी तरह इस बारूद ने भी वैसे ही काम किया, धुआं नहीं निकला, कलर स्मोक एकदम से अपना बारूद जल गया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।